हॉस्पिटल में मामला दबा दिया जाता है, सारा जमीन को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, लोकतंत्र खतरे में है। और ये उसी तरीके के एक अटैक का एक हिस्सा है जो सुधा जी को भी टारगेट किया गया है। समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति भी खड़ा है आप उसको जेल में डाल दीजिए, उसको आतंकवादी बोल दीजिए, उसको नक्सलवादी बोल दीजिए। ये तमाम तरीके के जो गैर प्रजातांत्रिक काम हो रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं, और आज हम सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके समर्थन में कि आगे भी इस तरीके की कोई प्रक्रिया सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या तमाम दूसरे तरीके की ओर से होता है उनका हम विरोध करेंगे। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि आजादी के इतने साल के बाद भी हम उन वंचितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हम खुद न्याय के लिए लड़ाई करते हैं और न्याय के लिए हम अभिमान कर रहे हैं कि हमारे साथी जो देश भर में जनवादी लोग काम कर रहे थे उनको आप छोड़ दीजिए। जो शायद वो शब्द घृणित न भी लगे, लेकिन उस शब्द को इस तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों के जेहन में डाला जा रहा है, वो शब्द है अर्बन नक्सली। उस अर्बन नक्सली शब्द का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि हर वो आदमी जो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, हर वो आदमी जो सिस्टम में बदलाव का लोकतांत्रिक तरीका जानता है और उस तरीके से किसी आंदोलन, किसी धरना, किसी प्रदर्शन में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए ये मीडिया एक शब्द इस्तेमाल करता है अर्बन नक्सली। सोचे समझे तरीके से पूरे देश में, एक जनमानस में ये बात फैलाई जा रही है कि सुधा भारद्वाज जैसे लोग अर्बन नक्सली हैं, ताकि उनके किए हुए काम जो हैं वो पृष्ठभूमि में चले जाएं और उनके प्रति नफरत लोगों के मन में डेवलप हो सके, ये पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं और तरीके से सभी वामपंथियां, सामाजिक संगठन, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी मिलकर के आज सुधा जी के हाई कोर्ट आज मांग कर रहे हैं जिंदाबाद।